एवरीवन, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं ब्रेड चीज पकौड़े की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही कम टाइम में बनाकर रेडी कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी सा बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी खाने का मन हो तो ये सुबह या शाम में बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उबले हुए आलू लेंगे और आलू को हम ग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैं ग्रेट करूँगी फ्रेंड्स, और इसको हम छिलका हटा लिए थे पहले से। तो यहाँ पे आप चाहें तो मैश करके ले सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पतला वाला जो जाली वाला ग्रेटर होता है, मैं उससे ग्रेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये ग्रेट हो गया है आलू। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक प्याज। तो प्याज को आपको बारीक काट करके ऐड करना है इसमें, और उसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च, और उसके साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं अदरक। तो अदरक को भी हम अच्छे से ग्रेट करके यहाँ पे हम डालेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो यहाँ पे करी पत्ता डाल सकते हैं। और उसके बाद आधी छोटी चम्मच यहाँ पे कच्चा जीरा हम ऐड कर रहे हैं, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स हम डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच यहाँ पे ऑरिगेनो, और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच यहाँ पे अरारोट, और अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो यहाँ पे आप मैदा या चावल का आटा यहाँ पे मिला सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके वो सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं अच्छे से डाल दी हूँ, और उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मसाले में आपको जो यहाँ पे पसंद है ना, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को इस तरीके से मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चटपटा सा ये फिलिंग बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे और एक छोटा सा बाउल ले लेंगे यहाँ पे, और इसमें हम डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पे आपको 4 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, यानी 1/4 कप यहाँ पे मैदा यहाँ पे डाली हूँ, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसे हमें घोल बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें घोल बनाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये घोल बनाना है फ्रेंड्स, और इसमें मतलब ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है आपको। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपको अच्छे से घोल बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच यहाँ पे अजवाइन, और उसी के साथ यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे आपको हरा धनिया नहीं होगा तो यहाँ पे आप करी पत्ता डाल सकते हैं बारीक काट करके। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। और मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे साइड पे रख देंगे और आगे का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं ब्रेड, तो आपको यहाँ पे 6 से 7 ब्रेड ले लेना है। और यहाँ पे मैं ली हूँ ब्राउन वाला ब्रेड, अगर आपके पास व्हाइट वाला हो तो वो भी ले सकते हैं। ब्राउन वाला होता है ना, वो हेल्दी होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो ब्राउन वाला जो परत है ना, वो हम चाकू से इस तरीके से कट कर देंगे चारों तरफ से। तो इस तरीके से चारों तरफ से मैं ब्राउन वाला जो परत है तो मैं निकाल दी हूँ। इस तरीके से आपको निकाल लेना है, और एक एक करके मैं सभी ब्रेड को अच्छे से मैं कट कर ली हूँ। और उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे फ्रेंड्स। तो एक ब्रेड आपको इस तरीके से लेकर के बेलन से इस तरीके से बेल लेना है हल्के हाथों से। आपको ज़ोर से नहीं बेलना है, नहीं तो ये टूट जाएगा ब्रेड। तो सभी ब्रेड को हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी ब्रेड को हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। और बेलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से पतला सा ये हो जाता है। तो ये देखिए मैं सभी ब्रेड को बेल ली हूँ, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक ब्रेड ले लेंगे, और ब्रेड के ऊपर हम सॉस लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ हम चम्मच से लगा दिए हैं, और उसके बाद जो मैं फिलिंग बनाई थी वो हम चारों तरफ अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे। और बहुत ही अच्छे से आपको लगाना है चारों तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काटा वाला जो चम्मच होता है ना, उससे आप लगाइएगा ना तो बहुत ही अच्छे से ये चारों तरफ अच्छे से लग जाता है। और यहाँ पे हम ले लेंगे चीज़। तो चीज़ को ये इस तरीके से आपको डाल देनी है, और डालने के बाद आपको फोल्ड कर लेनी है इस तरीके से। तो आपको हल्के हाथों से फोल्ड करना है और हल्के हाथों से दबा देनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये दब चुका है। थोड़ा बहुत टूटा है तो कोई बात नहीं, हम इसको डीप करके छानेंगे। तो इस तरीके से दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दूसरा भी हम उसी तरीके से सॉस लगा देंगे, और फिलिंग हम आलू का जो बनाए थे
वो हम लगा देंगे और चीज़ हम इस तरीके से डाल करके और इसको आपको फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। तो एक एक करके मैं सभी ब्रेड को मैं रेडी कर ली हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैं घोल बनाई थी ना वो घोल को हम फिर से चला लेंगे चम्मच से। तो इस तरीके से हम चला लिए हैं और एक हम नाश्ता लेंगे और इस तरीके से आपको डीप करना है। और डीप करने के बाद आपको उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये गल जाएगा। और उसके बाद आपको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पैन में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दी थी और हम इसमें हम डाले हैं 3। तो आपको जितना है पैन में उतना डाल करके आप फ्राई कर सकते हैं। और हाँ, डालने के बाद आपको तुरंत मतलब पलटना नहीं है, 1 से 2 मिनट हो जाए ना उसके बाद आपको फ्राई करना है। और यहाँ पे आपको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लो नहीं करना है, नहीं तो ये नाश्ता ऑयली ऑयली बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है और दोनों तरफ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स ये नाश्ता। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे सभी नाश्ते को और एक एक करके सभी नाश्ते को हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में सजा ली हूँ और उसके बाद मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी। इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा सा आया है फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये नाश्ता। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।